आदिप सैनी तुसी देख रहे हो जानी तैशी न्यूज़ चैनल। ताजपुर रोड दे उत्ते एक डाइंग फैक्ट्री दे विच अचानक अग लग गई है। दसिया जा रहा है कि 3 मंजिला इस डाइंग फैक्ट्री दे विच अग काफी भयानक लग चुकी है, जिस कारण दमकल विभाग दे मुलाजमान नूं इह जानकारी दित्ति गई है। मौके ते पहुंचे 3 फायर ब्रिगेड दी टीमां वल्लों अग ते काबू पाया जा रहा है, लेकिन दसिया जा रहा है कि अग लगातार वधदी जा रही है। हजे तक अग लगन के कारण तो नहीं पता लगे, लेकिन इलाके के लोगों का जो फैक्ट्री के वर्कर ने उन्हों का कहना है कि अग शायद शोर सर्कट के नाल लगी है। जिस समय यह घटना वापरती है उस टाइम फैक्ट्री के वर्कर काम कर रहे सन, लेकिन जो अग एकदम तेजी नाल वधदी है तो वर्कर उत्थों अपना बचाव करके भजदे हन। दसिया जा रहा है कि हजे तक इस घटना दे विच कोई जानी नुकसान तो नहीं होया, लेकिन फैक्ट्री दे विच पिया लखा दा माल जो है अग दी चपेट दे विच आ चुका है। मौके ते हजे तक भी 5 ग्रेड दे मुलाजम ने जो अग ते काबू पा रहे हैं। तुहानू मौके दीआं तस्वीरां दिखा रहे हैं, तुसीं मौके दे हालात देख सकदे हो। सत श्री अकाल जी, मैं राजदीप सैनी, तुसी देख रहे हो जानी तैशी न्यूज़ चैनल। ताजपुर रोड दे उत्ते एक डाइंग फैक्ट्री दे विच अचानक अग लग गई है। दसिया जा रहा है कि 3 मंजिला इस डाइंग फैक्ट्री दे विच अग काफी भयानक लग चुकी है, जिस कारण दमकल विभाग दे मुलाजमान नूं जानकारी दित्ती गई है। मौके ते पहुंचे 3 फायर ब्रिगेड दी टीमां वल्लों अग ते काबू पाया जा रहा है, लेकिन दसिया जा रहा है कि अग लगातार वधदी जा रही है। हजे तक अग लगन के कारण तो नहीं पता लगे, लेकिन इलाके के लोगों का जो फैक्ट्री के वर्कर ने उन्हों का कहना है कि अग शायद शोर सर्कट के नाल लगी है। जिस समय यह घटना वापरती है उस टाइम फैक्ट्री के वर्कर काम कर रहे सन, लेकिन जो अग एकदम तेजी नाल वधदी है तो वर्कर उत्थों अपना बचाव करके भजदे हन। दसिया जा रहा है कि हजे तक इस घटना दे विच कोई जानी नुकसान तो नहीं होया, लेकिन फैक्ट्री दे विच पिया लखा दा माल जो है अग दी चपेट दे विच आ चुका है। मौके ते हजे तक भी 5 ग्रेड दे मुलाजम ने जो अग ते काबू पा रहे हैं। तुहानू मौके दीआं तस्वीरां दिखा रहे हैं, तुसी मौके दे हालात देख सकदे हो। सत श्री अकाल जी, मैं राजदीप सैनी, तुसी देख रहे हो जानी तैशी न्यूज़ चैनल। ताजपुर रोड दे उत्ते एक डाइंग फैक्ट्री दे विच अचानक अग लग गई है। दसिया जा रहा है कि 3 मंजिला इस डाइंग फैक्ट्री दे विच अग काफी भयानक लग चुकी है, जिस कारण दमकल विभाग दे मुलाजमान नूं जानकारी दित्ती गई है। मौके ते पहुंचे 3 फायर ब्रिगेड दी टीमां वल्लों अग ते काबू पाया जा रहा है, लेकिन दसिया जा रहा है कि अग लगातार वधदी जा रही है। हजे तक अग लगन के कारण तो नहीं पता लगे, लेकिन इलाके के लोगों का जो फैक्ट्री के वर्कर ने उन्हों का कहना है कि अग शायद शोर सर्कट के नाल लगी है। जिस समय यह घटना वापरती है उस टाइम फैक्ट्री के वर्कर काम कर रहे सन, लेकिन जो अग एकदम तेजी नाल वधदी है तो वर्कर उत्थों अपना बचाव करके भजदे हन। दसिया जा रहा है कि हजे तक इस घटना दे विच कोई जानी नुकसान तो नहीं होया, लेकिन फैक्ट्री दे विच पिया लखा दा माल जो है अग दी चपेट दे विच आ चुका है। मौके ते हजे तक भी 5 ग्रेड दे मुलाजम ने जो अग ते काबू पा रहे हैं। तुहानू मौके दीआं तस्वीरां दिखा रहे हैं, तुसी मौके दे हालात देख सकदे हो। सत श्री अकाल जी, मैं राजदीप सैनी, तुसी देख रहे हो जानी तैशी न्यूज़ चैनल। ਇਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4:20 ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹਿੰਗਰਾਜ ਡਾਈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਪੌਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ 60-70% ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਇਹਦੀ 7 ਤੋਂ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੌਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੀਫਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਪੋਲਿਸਟਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 4:20 ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹਿੰਗਰਾਜ ਡਾਈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਪੌਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਨੀ ਤੈਸ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ।